नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुंगी। हम ललितपुर मुख्यालय के रावत आना स्थित दिगंबर जैन मंदिर बाहुबली नगर में हैं। यहाँ पर आर का आदर्शमती माता जी सत्संग पधारी हैं। जैन मंदिर में वार्षिक उत्सव, 17वां वार्षिक उत्सव आचार्य विद्यासागर पाठशाला का हो रहा है। क्यों उत्सव हो रहा है, क्या पाठशाला का उद्देश्य है, पाठशाला में क्या दिया जाता है, यहाँ पर हम बात करेंगे। इस पाठशाला के निर्देशक बाल ब्रह्मचारी मनोज भैया जी, उनसे बात करना चाहेंगे कि पाठशाला का उद्देश्य क्या है और वार्षिक उत्सव क्यों मनाया जाता है। बच्चे समाज की धरोहर हैं, देश की धरोहर होते हैं और हर समाज का एक कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारी शिक्षा भी उन बच्चों को दें। इसी भावना को लेकर के, जो भावना हमारे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज की थी, तो उनकी भावना के अनुरूप यहाँ पर 2005 में परम पूज्य मुनिवर श्री प्रशांत सागर जी, निर्विवेक सागर जी महाराज आए थे और उन्होंने ललितपुर नगर की सारे मंदिरों में आचार्य विद्यासागर पाठशाला का शुभारम्भ किया था। आज बाहुबली नगर की पाठशाला 17वां मंगल कलश यहाँ पर स्थापित हुआ है माताजी के मंगल सानिध्य में। और पाठशाला का उद्देश्य यही है कि बच्चे संस्कारवान बने। अगर बच्चे संस्कारवान बनते हैं तो एक परिवार संस्कारवान बनता है और परिवार जब संस्कारवान होता है तो समाज संस्कारवान बनती है और समाज जब संस्कारवान बनती है तो एक देश संस्कारवान बनता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के कि हमारी आगामी पीढ़ी भौतिकता की चकाचौंध में ना फंसे, इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ पर उनको धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा यहाँ पर उन बहनों के द्वारा दी जाती है जो पाठशाला, जो हमारे समाज की ही बेटियाँ हैं और निस्वार्थ भाव से वो पाठशालाओं में इन बच्चों को पूरे 365 दिन यहाँ पर आकर के और बच्चों को शिक्षा देती हैं। हमारे साथ थे बाल ब्रह्मचारी मनोज भैया जी, जो पाठशाला के निर्देशक हैं। इन्होंने बताया कि पाठशाला का उद्देश्य, मैं भी पाठशाला की जो हमारी संचालक बहनें हैं मैं उनसे भी बात करूंगा, जुड़े रहिए। पाठशाला में किस तरह का ज्ञान दिया जाता है बच्चों को? हमें पाठशाला में बच्चों को भेजना चाहिए। पाठशाला में बच्चों के लिए धार्मिक ज्ञान दिए जाते हैं और संस्कार भी दिए जाते हैं। इसमें पाठशाला को समय समय पर हर रविवार को पूजन होती है जिसमें सभी बच्चे आते हैं और बच्चों को पूजन करना सिखाया जाता है, कैसे पूजन। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पाठशाला में बच्चों को कि हमें माँ बाप की सेवा कैसे करना है और अपने धर्म को आगे कैसे बढ़ाना है। पाठशाला कितने समय, कौन से समय लगाई? हमारी पाठशाला शाम को 7 बजे से लगती है, 45 मिनट की पाठशाला लगती है और जिसमें शनिवार को बाल सभा होती है जिसमें सभी बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है और हर समय हर 6 महीने में परीक्षा होती है और साल में 2 बार हमारी पाठशाला में परीक्षा होती है और साल में 1 बार तीर्थ वंदना के लिए गुरुओं के पास ले जाया जाता है बच्चों के लिए और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। इस तरह से पाठशाला, जो विद्यासागर पाठशाला, आचार्य श्री विद्यासागर पाठशाला है, जो बाहुबली नगर जैन मंदिर के अलावा सभी जैन मंदिरों में संचालित है और यहाँ बाहुबली नगर में जो संचालित पाठशाला है उसका 17वां वार्षिक उत्सव मनाया गया है। इस पाठशाला में बच्चों को धार्मिक संस्कार के साथ साथ शिक्षा का संस्कार दिया जाता है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि उनको किस तरह की शिक्षा दी जाती है पाठशाला में, किस तरह की शिक्षा दी जाती है पाठशाला में। पूरी धर्म की शिक्षा दी जाती है और आपको हर फ्राइडे को एक बाल सभा भी होती है जिसमें हम लोग की जो दीदी हैं वो हम लोग से बहुत से क्वेश्चन पूछती हैं और जो जिसने पूरी सही जवाब दिया उसको एक गिफ्ट भी दी जाती है। बच्चों को संस्कार, शिक्षा और प्रोत्साहन करने के लिए, प्रतिस्पर्धा के बीजों का संस्कार करने के लिए यहाँ पर प्रतियोगिताएँ होती हैं और उन प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी छात्र होते हैं उन छात्रों को कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मानित किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बाहुबली नगर में जो हमारा आयोजन चल रहा है, आर का आदर्शमती माता जी मंच पर विराजमान है और माता जी को मंच पर विराजमान होने के बाद वहाँ पर बच्चों को उपदेश दिया जा रहा है, महिलाओं को, श्रद्धालुओं को, सबको उपदेश दिया जा रहा है। ये पाठशाला का 17वां वार्षिक उत्सव है। इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हमारे साथ बाहुबली नगर के क्षेत्र के हमारे श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, अरविंद जैन साड़ूमर। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि पाठशाला का जो संचालन बाहुबली जैन मंदिर में होता है
उसका उद्देश्य क्या है और आपका क्या सहयोग होता है? पाठशाला का उद्देश्य यहाँ के बच्चों में संस्कार देना है और दीदी वगैरह सब लोग यहाँ बहुत अच्छा उसका संचालन करती हैं। बच्चों में बड़े धर्म के प्रति अच्छी रुचि पैदा की जाती है। यहाँ माता जी दुर्लभमती माता जी और बड़ी माता जी के बड़े मुझसे मार्गदर्शन में आज बहुत अच्छा कार्यक्रम भी हुआ है। हम लोग सभी बाहुबली नगर वालों का इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा है और सहयोग सभी का सहयोग रहता है इसमें। दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत सभी मंदिरों में चलने वाली पाठशालाएँ आचार्य विद्यासागर पाठशाला, इसमें बच्चों को संस्कार, धार्मिक संस्कार, सामाजिक संस्कार, नैतिक संस्कार, संस्कारों का संकनाद इन पाठशालाओं में होता है बच्चों को। यहाँ पर धार्मिक शिक्षा जो होती है, जो जैन आगम में बताया गया है, तत्वार सूद, भक्तांबर जी, अष्ट द्रव से पूजन करना, बच्चों को किस तरह से माता पिता का सम्मान करना है, आदर करना है, आगे चलकर जैन संस्कृति को जैसे प्रचारित करना है, इस तरह सीओं का संस्कार होता है। जैसा कि आप ललितपुर लाइव टीवी के चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं कि आड़ का आदर्शमती माता जी का सत्संग एक भव्य शोभा यात्रा के साथ बाहुबली नगर में प्रवेश हो रहा है। सभी श्रद्धालु उनकी मंगल अगुवाई कर रहे हैं। दिगंबर जैन पंचायत के प्रबंधक प्रकाश चंद जी सौर्या और निर्मल कुमार जी जैन खिरिया वाले, आदिनाथ सेवा संघ, बाहुबली सेवा संघ, विद्यापूर्ण महिला मंडल, आदर्श बालिका मंडल और सभी स्वयंसेवी संगठन आरका माता जी की मंगल अगुवाई कर रहे हैं। माता जी का मंगल प्रवेश बाहुबली नगर में हुआ और बाहुबली नगर में प्रवेश होने के उपरांत माता जी ने वंदना की, दर्शन किए और दर्शन करने के उपरांत माता जी का मंगल विराजमान आयोजन स्थल पर मंच पर हुआ, जहां पर सभी श्रद्धालुओं ने श्रीफल अर्पित किए और श्रीफल अर्पित करने के बाद सभी जैन समाज, बाहुबली नगर जैन समाज प्रबंधक ने सभी ने माता जी के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित किया। अर्पित करने के उपरांत माता जी के सानिध्य में, निर्देशन में यहाँ पर बच्चों ने आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की मंगल पूजन हुई और पूजन में अद्भुत दृश्य देखने को मिले। जैसा कि आप ललितपुर लाइव टीवी के इन झलकियों में देख रहे हैं कि माता जी के द्वारा जो मंगल पूजन आचार्य श्री की हुई, उसमें अष्टद्रव चढ़ाए जा रहे हैं, तो जिस तरह से चंदन चढ़ाते समय और हमारे जल चढ़ाते समय, नैवेद्य चढ़ाते समय, दीप चढ़ाते समय, अक्षत चढ़ाते समय, पुष्प चढ़ाते समय, धूप चढ़ाते समय, फल चढ़ाते समय, अर्घ चढ़ाते समय, इन सभी पूजन के समय कोई आरका माता के निर्देशन में हमारी सरस्वती माँ बनी, तो कोई हमारी झांसी की रानी बनी, तो कोई हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं योगी मोदी, इनका रूप धारण किया, गांधी का रूप धारण किया, नेहरू का रूप धारण किया, तो वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चित्रण है, राम और लक्ष्मण और सीता का भेष लेकर भी यहाँ पर अष्टद्रव पूजन का स्वरूप दिखाया गया। तो वहीं श्रवण कुमार जो माता पिता के सच्चे श्रावक थे, सेवा करने वाले, उनका भी दृश्य दिखाया गया। तो वहीं सरस्वती मैया जो ज्ञान बांटती हैं, उनका भी दृश्य दिखाया गया। जो हमारे श्रेष्ठ आवश्यक होते हैं, श्रावक करते हैं, उनको भी दर्शाया गया। इस तरह से आचार्य श्री विद्यासागर की पूजन यहाँ पर दर्शाई गई। तो वहीं मंच पर पाठशाला की बहनों के द्वारा संचालित सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मंच पर आयोजन हुए, उन आयोजनों में हम आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि आयोजन में सभी बहनों ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रदर्शन किया और मंचीय कार्यक्रम हुए, संगीतमय पूजन, आराधना, सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी आचार्य श्री विद्यासागर पाठशाला बाहुबली नगर की बहनों द्वारा हुआ। इस संचालन करने में जो बहनों का योगदान होता है, वह देखते ही बनता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस आयोजन में जो बाहुबली नगर के हमारे श्रद्धालु हैं, श्रावक हैं, इन सब का योगदान बराबर रहता है। जैसा कि आपने अभी सुना और देखा कि आयोजन के स्थल पर सैकड़ों की संख्या में हमारे बाहुबली नगर क्षेत्र के अलावा सभी नगर के क्षेत्र के लोग यहां पर एकत्र हुए। सैकड़ों की संख्या में सभी ने आरका माता जी के मंगल प्रवचन सुने और मंगल प्रवचन सुनने के बाद अपने जीवन में आत्मसात किया। हमारे साथ कुछ ऐसे श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, मैं उनसे बात कराना चाहता हूँ। भारत विकास परिषद से हमारे आए हुए डॉक्टर संजीव कलंकी, हमारे चक्री सक्रैया, हमारे संजीव ट्रांसपोर्ट, हमारे डबू जैन, सभी ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं पाठशाला के संबंध में डॉक्टर संजीव कलंकी से कुछ जानना चाहूँगा, पाठशाला के संचालन में क्या योगदान रहता है? पाठशाला जो संचालित हो रही है मंदिरों में, उसमें समाज का, श्रद्धालुओं का क्या सहयोग रहता है और क्या उद्देश्य है पाठशाला का? बिना समाज के कोई भी वस्तु नहीं चल सकती है। कोई भी संस्था चलाने के लिए समाज का सहयोग आवश्यक है। पाठशालाएं एक संस्कार देने के लिए,
बहुत अच्छी स्थान बना हुआ है और समाज का सहयोग है, जिनके सहयोग से पाठशालाएं चल रही हैं और आज सारे जितने जैन मंदिर हैं सभी मंदिरों में पाठशालाएं चल रही हैं। वहाँ की समाज जो वहाँ पे कलश स्थापना होती है उस कलश स्थापना में सहयोग करती है, उस कलश स्थापना की जो सहयोग राशि है उससे विधिवत रूप से पूरे वर्ष हमारे यहाँ पाठशालाएँ बहुत अच्छी तरह चलती हैं। पाठशाला में जो दीदियाँ लोग रहती हैं वो अपनी पूरी सेवाएँ दे रही हैं, बच्चों को संस्कारित करती हैं और यही माता जी का और हम लोग का उद्देश्य है कि हमारे बच्चे नैतिकता सीखें, संस्कार सीखें। नैतिक संस्कार और सभ्यता का समावेश पाठशालाओं में बहनों द्वारा संस्कारित किया जाता है शिक्षा के द्वारा। हमारे साथ है भाई जो हमारे श्रद्धालु हैं इस बाहुबली नगर क्षेत्र के, मैं उनसे भी बात करता हूँ, हमारे क्रिया परिवार के हमारे प्रबंधक के सुपुत्र हैं छोटे, वो बात करेंगे, छोड़ दो उसको। पाठशाला का उद्देश्य क्या है आपकी नज़र में? पाठशाला का उद्देश्य है कि सभी बच्चे वह संस्कारित होते हैं और इसके अलावा सब पढ़ाई लिखाई सब गुंजन गुंजन पूजा विधि सब सिखाई जाती है। आपका कहना है कि बच्चों को जीवन में जो लौकिक शिक्षा होती है उसमें संस्कारिक धार्मिक शिक्षा का भी अति अनिवार्य समावेश होना चाहिए जिससे उनका जीवन बेहतर और बेहतरीन गुजरे। मैं आपको बता दूं कि ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम पर समय समय पर मैं आपके बीच में धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा, सामाजिक यात्रा और धार्मिक गतिविधियों की झलकियों के माध्यम से, चित्रमय झलकियों के माध्यम से आपके बीच में रहता हूँ। उसी के क्रम में आज दिगंबरजन पंचायत के अंतर्गत आरका आदर्शमती माता जी के आशीर्वाद से, आरका दुर्लभमती माता जी के आशीर्वाद से, आरका अनुभवमती माता जी के आशीर्वाद से, आरका श्वेतमती माता जी के आशीर्वाद से, आरका परमात्मती माता जी के आशीर्वाद से, आरका विदेशमती माता जी के आशीर्वाद से इस आयोजन की शोभा बढ़ी और इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में आए हुए लोगों ने माता जी के उद्बोधन से उपदेशों से अपने जीवन को आत्मसात किया और इस जीवन को सफल बनाने के लिए पाठशालाएं संचालित होती हैं। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। हमारे भाई के नाम के लिए नाम क्या, नाम क्या है? पीयूष भाई। दो बात अभी हमारे ऐसे श्रावक के लिए जो भोपाल से आए और भावना थी उनकी, आप जहाँ पे राजते हो वही स्थान बन जाता है आनंद। हे सतगुरुदेव, आप ही हो हमारे चलते फिरते जन्म के। Thank you.
हम लोग चाहिए ही हैं, क्योंकि जिन हमने कहा था आप लोग शायद आए थे कि नहीं आए थे, छेत्रपाल में जब युवाओं का हमने अधिवेशन एक प्रवचन दिया था, हमने उनको यही कहा था जिनकी मुट्ठी में क्या, जिनकी मुट्ठी में बल होता है उन्हीं की मुट्ठी में कल होता है। क्या आप लोग आज से ही सिर्फ धन के माध्यम से, सिर्फ साधनों के माध्यम से, जो भौतिक आकर्षण के साधन इकट्ठी करते चले जा रहे हैं, और आप सोच रहे हो हमारे जीवन में यही सुख के कारण है, यही हमें जीवन में सुख देंगे, परिवार से टूटते चले जा रहे हैं, रिश्तों में रिस रहे हैं, रिश्ते रिसने लग गए हैं, संवेदना समाप्त हो चुकी है, भाईचारा समाप्त हो चुका है। ध्यान रखना, रावण का भाई विभीषण अलग हुआ तो फिर लंका, लंका में डंका बज गया, और स्वर्ण जैसी लंका में आग लगकर की खाक हो गई। बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।